स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मैच रिव्यू। तो बिना देरी के यहाँ प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच SCG सिडनी के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन सुबह के 5 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 20 नवंबर को न्यू साउथ वेल्स वर्सेस विक्टोरिया के बीच में शेफील्ड ट्रॉफी का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फोटो, दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिली यार जुगाड़ करके मेरे को पिच की। ये दोस्तों मैच से जस्ट एक दिन पहले की फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। इस पिच की दोस्तों खासियत क्या, जो पिच लग रही है दोस्तों आपको ये SCG की, जिस पिच की दोस्तों खासियत ये थी कि इस पिच के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ग्रास है। और अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादातर मदद मिलेगी। आपने दोस्तों पूरे एशेज के अंदर देखा होगा कि पेसर फ्रेंडली पिच रही है, ठीक है, मतलब बॉलर फ्रेंडली पिच रही है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों इस बार भी SCG के ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन, तो दोस्तों बारिश आ सकती है, ऊपर से दोस्तों पिच के ऊपर पहले से ग्रास है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों बॉलर फ्रेंडली पिच हो सकती है और यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी, बारिश आ सकती है, ठीक है। आपको वेदर फोरकास्ट में दिखाऊंगा मैं यहाँ पर दोस्तों कितनी बारिश है। तो आप पिच को यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, हरी भरी पिच लग रही है मेरे को। अब देखो यहाँ पे बिग बैशली के मैचेस हुए तब की ये पिच की फोटो है, उस टाइम पे ग्रास कम थी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से दोस्तों आप देखो यहाँ पे इस पिच के अंदर लेटेस्ट फोटो बहुत ज़्यादा ग्रास लग रही है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, ये साइड की ग्रास है मैदान की, ये दोस्तों पिच की ग्रास है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर मुझे दोस्तों लग नहीं रहा है। यहाँ पे अपन जब जूम आउट करके देखते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन की बात है दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं यार ग्राउंड डायमेंशन, स्पेशली टेस्ट मैचेस के अंदर। लेकिन आप देख लो दोस्तों यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है अपन प्रोसेस को फॉलो करते हैं हर एक। तो देखो सामने की बाउंड्री डाउन द ट्रैक साइड स्क्रीन की तरफ आपको 83 मीटर्स की देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बाउंड्री है। वहीं दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, एक तरफ 63 मीटर है, दूसरी तरफ भी 63 मीटर है जब सेंटर ऑफ द पिच से हिला जाता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सामने की बाउंड्री लंबी है, डाउन द ट्रैक आपको 3 रन तो निकालने पड़ेंगे दोस्तों, चौका बाई चांस नहीं गया तो स्क्वायर ऑफ द विकेट आप दोस्तों चौका मार के यहाँ पे आराम से रन बना सकते हो। ये स्टेडियम का दोस्तों व्यू है, ये दोस्तों एक ऐतिहासिक स्टेडियम है दोस्तों, बड़ा मैच फिर से यहाँ पे होने वाला है, ये दोस्तों टॉप क्लास स्टेडियम है। स्वागत है आप सबका एशेज के अंदर, द लीग या दोस्तों द सीरीज ऑफ लीजेंड्स कह सकते हैं, ठीक है यार, लीग तो नहीं है, सीरीज है, द सीरीज ऑफ चैंपियंस। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे लीजेंड्स कह सकते हैं। ये देखो दोस्तों ऐसा स्टेडियम दिखता है, ये बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टेडियम है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, स्टैट्स की तरफ, प्रैक्टिकल नॉलेज की। आपको मैंने फोटोज दिखा दी, अब आपको नोट करना है पहला पॉइंट क्या, इस वेन्यू के ऊपर दोस्तों SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब मैचेस हुए ना, आमतौर पर दोस्तों आपको सीरियसली कहूँ तो स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद मिलती है, ठीक है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो पहले के टाइम पे ना SCG के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिला करती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टीव स्मिथ ने भी संकेत दिया था कि यहाँ पर दोस्तों पिच के ऊपर ज़्यादा ग्रास लग रही है, पहले जैसा विकेट नहीं है जो SCG का है, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादातर मदद मिलेगी। अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर ना कैसा टीम्स का रिकॉर्ड है इस वेन्यू के ऊपर, तो आप देखो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपने प्रीवियस 7 गेम से एक भी मैच यहाँ पे हारी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया पिछले 7 मैचेस में यहाँ पे 3 मैच जीती है, 4 ड्रॉ कराई है। बात नहीं इंग्लैंड की, इंग्लैंड दोस्तों यहाँ पे 3 मैच खेली, तीनों हारी, आई थिंक एक 2010 में खेला था, फिर एक 13 के अंदर, फिर एक 18 के अंदर ऐसे कुछ खेला था, तो तीनों दोस्तों हारी थी इंग्लैंड। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, जो टीम बैट फर्स्ट करी है एक भी मैच नहीं जीती है, और यहाँ पर 2 मैच ड्रॉ हैं आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स, एक मैच दूसरी टीम बैट सेकंड करी थी ना वो जीती थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बैट फर्स्ट एक भी मैच नहीं जीती, जो टीम बैट सेकंड करी थी वो एक मैच जीती आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स, 2 ड्रॉ हुए थे। औसतन स्कोर 300 से 350 बनता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट 3 मैच के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज 67 विकेट्स है, राइट आर्म पेसर्स के 61 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 5 विकेट है। बात करेंगे दोस्तों स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 3 मैच के अंदर ठीक ठाक काम करा है, 1:3 का रेशियो है। आप देखो मतलब पेसर्स के 67 विकेट है तो स्पिनर्स के यार 21 विकेट है। तो आप देखो यहाँ पे
लास्ट तीन मैच के अंदर स्पिनर्स ने 21 विकेट कैसे निकाले, ऑफ स्पिनर्स के 10 विकेट थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 7 विकेट थे, लेग स्पिनर के 4 विकेट थे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था, यहाँ पे शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी का मैच था। जैसे अपने इंडिया के अंदर रणजी ट्रॉफी चलती है, इंग्लैंड के अंदर दोस्तों काउंटी क्रिकेट चलता है, इस तरह दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर प्लंकेट शील्ड चलती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोमेस्टिक है फर्स्ट क्लास के मैचेस को अपन शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी बोलते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स वर्सेस विक्टोरिया के बीच में मैच हुआ था लास्ट यहाँ पे, तो उस मैच के अंदर 20 नवंबर को 25 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाले थे, 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाले थे। तो रेनी दोस्तों यहाँ पे वेदर है, मैं क्लाउडी वेदर भी नहीं कहूंगा, रेनी वेदर है, मैं कैसे कह सकता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इट्स माई ड्यूटी टू शो यू ऑल अबाउट द गेम। अब देखो यहाँ पे मैच कब है, वन एक्स दिन पहला डे, मतलब बुधवार के दिन वेनसडे को डे वन है, फिर डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव। तो दोस्तों यहाँ पे आप अब देखो, मुझे कोई ज़्यादा संकेत लग नहीं रहा दोस्तों, सिर्फ डे थ्री को छोड़ के ज़्यादा बारिश ना हो, थोड़ा थोड़ा दोस्तों रुक के बारिश आती है यहाँ पर, और ज़्यादा रेनफोर कास्ट का दोस्तों यहाँ पे वही है अनुमानित कहा जा रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पे। अपन दुआ करते हैं ज़्यादा बारिश ना हो, बढ़िया मैच दोस्तों अपने को देखने को मिले एशेस, ठीक है। तो चल रहे हैं दोस्तों, क्या होता है अपन यार अपना काम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ अपने हाथ में होती भी नहीं है, वी जस्ट पुट अवर हार्ड वर्क, रिजल्ट विल बी नॉट इन अवर हैंड दोस्तों, वही बात है हमेशा। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी दोस्तों। यहाँ पर न्यूज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अपना प्लेइंग 11 को कंफर्म कर दिया है, ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव आए थे, उस्मान ख्वाजा दोस्तों यहाँ पे खेलने वाले हैं इस मैच के अंदर, स्कॉट बॉलर दोस्तों खेलेंगे इस मैच के अंदर, जो सी जरूर यहाँ पे दोस्तों अनलाइकली है इस मैच के अंदर खेलने के लिए। बात करेंगे दोस्तों इंग्लैंड की, तो यहाँ पे दोस्तों चिंता की बात है, टीम दोस्तों अभी भी उलझी हुई है कि क्या करें, यानी कि दोस्तों जो कोच थे सिल्वरवुड वो भी भाई साहब कोविड पॉजिटिव आ गए थे, इनके जो आई थिंक बॉलिंग कोच थे कौन थे, जतिन पटेल स्पिनिंग जो, ठीक है, तो वो भी दोस्तों कोविड पॉजिटिव आ गए थे। तो टीम दोस्तों चिंता के अंदर थोड़ी सी, देखते हैं क्या होता है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर लास्ट 13 मैचेस के अंदर टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया 9 जीती है, इंग्लैंड 2 जीती है, और 2 मैच दोस्तों नो रिजल्ट रहे थे। चिंता की बात दोस्तों इंग्लैंड यहाँ पर किस तरह से उभर पाएगी इस मैच के अंदर, तो देखते हैं दोस्तों नया साल क्या यहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक फिर से मेरे हिसाब से एक बेहतर साल ला सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या जो रूट अपने सवालों का जवाब खोज पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पे मार्कर एज ओपन करेंगे डेविड वार्नर के साथ, मानस लबुशेन है, स्टीवन स्मिथ है, उस्मान ख्वाजा है, कैमलन ग्रीन, एलेक्स करी, पैट कमिंस, स्मिथ स्टार्क, नेथन लियान, स्कॉट वॉलेंट, ये आपको दोस्तों कंफर्म प्लेइंग 11 दिखेगी। बेंच के ऊपर ये सारे प्लेयर्स हैं, जेड चेटसन, निजल रोड, माइकल नीसर और मिच मार्श। अब देखो दोस्तों एक बड़ी चीज क्या है यहाँ पर ना, कम से कम आप कह सकते हो 6 प्लेयर्स को होम ग्राउंड आए। डेविड वार्नर दोस्तों न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं, ये एससीजी स्टेडियम है ना, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, एससीजी सिडनी, ये दोस्तों न्यू साउथ वेल्स का होम ग्राउंड है। और यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स के प्लेयर कौन कौन है, डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, पैट कमिंस है, मिथ स्टार्क है, नेथन लियॉन है, हेजलवुड है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 प्लेयर्स का होम ग्राउंड, आपको बस ये नोट करना था। बात रही इंग्लैंड की, दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से रॉरी बंस इस मैच में खेल सकते हैं, बहुत ही सॉलिड बैटर है मेरे हिसाब से यार। लास्ट ईयर 2 प्लेयर थे जो शतक जड़े थे इंग्लैंड के लिए, देखते भाई साहब रॉरी बंस, देखते अपने जो रूट है, तो आप भाई साहब रॉरी बंस को कैसे बाहर बिठा सकते हो। ये ओपन करेंगे हसीब अमित के साथ, आप दोस्तों जैक क्रॉली को खिला लो हसीब अमित के बदले, अगर आपको लगता है मलान है, जो रूट है, बैन स्टोक्स है, ये भाई कब चलेंगे यार स्टोक्स, इनका कल वीडियो चल रहा था ट्विटर वगैरह के ऊपर कि उन्होंने 250 बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में इसी दिन, ऐसा कुछ दोस्तों चल रहा था। जॉनी बैरिस्टो, जॉस बटलर, ऑली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्कवुड, जेम्स एंडरसन आपको दिखेंगे। मैं दोस्तों ब्रॉड को पक्का खिलाता है, बहुत अच्छे बॉलर है, लाइन लेंथ कंसिस्टेंट है उनकी। चैनल पे न्यू तो भाई वही कहूँगा कि बेल आइकन कर देना यार, अच्छा लगता है दोस्तों जब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल आइकन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। स्टुअर्ट ब्रॉड वर्सेज लेफ्टी, बहुत अच्छी एवरेज है, लेफ्टीज को दोस्तों बहुत परेशान करते हैं इस टीम के अंदर, कम से कम 3-4 लेफ्टी है, 2 तो ओपनर है, फिर उस्मान ख्वाजा आते हैं, फिर दोस्तों एलेक्स करी आते हैं, तो कम से कम 4 तो लेफ्टीज है, फिर स्टार्क का 5 लेफ्टीज आपको आराम से मिल जाएंगे इस टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आप खिलाओ दोस्तों यहाँ पर किसको भाई साहब, आप खिलाओ यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड को। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, जब इस स्वैनी के ऊपर मैच हुए तो क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है दोस्तों इसके अंदर, मैंने फर्स्ट क्लास के स्टैट्स भी ऐड करें जब यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस होते थे शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी के। तो आप देखो यहाँ पे मार्कर हैरिस ने यहाँ पे एक ही मैच खेला था, आई थिंक इंडिया के खिलाफ खेला था उसने, किसके खिलाफ, भारत के बनाम, तो 81 करा था इसने एक मैच के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया बैट सेकंड कर रही थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर विक्टोरिया की तरफ से इसने यहाँ पे क्या करा है, 24 और 14 जब इसकी टीम बैट सेकंड कर रही थी, फिर यहाँ पे देखो 7 और 54 नाबाद जब इसकी टीम बैट सेकंड कर रही थी, 28 और 62 नाबाद जब इसकी टीम बैट फर्स्ट कर रही थी, आई मीन ठीक है, पहले मैच में सिर्फ बैट सेकंड था और सब में बैट फर्स्ट था। डेविड वार्नर की बात करते हैं स्वैनी के ऊपर, इन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर इंटरनेशनली 9 मैच के अंदर 750 रन बनाए, 58 की औसत है इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों। स्वैनी के ऊपर आप सोच रहे हो, वेन्यू स्टेट्स तो आपको दे रहा हूँ, पर ये भी बता रहा हूँ कि स्वैनी के ऊपर ना
डेविड वार्नर ने इंग्लैंड के खिलाफ क्या करा है, दो मैच 88 रन 29 की एवरेज है और फर्स्ट क्लास के अंदर दूसरा पे 11 था इनका, 20 था जब इनकी टीम बैट सेकंड कर रही थी, फिर 21 था जब इनकी टीम बैट फर्स्ट कर रही थी, दो ही फर्स्ट क्लास मैच खेले इसने यहाँ पे करीबन लास्ट 10 साल के अंदर। आएंगे दोस्तों यहाँ पे मानस लबुशेन, तीन मैच 476 रन दोस्तों यहाँ पे इनका दोहरा शतक आया था, मुझे अभी भी याद है क्या शतक था दोस्तों उनका वो, ठीक है कमेंट करना वो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ था या पाकिस्तान के खिलाफ था। 95 की एवरेज है, फर्स्ट क्लास की बात करते हैं यहाँ पे, 2-11 नाबाद जब इसकी टीम बैट सेकंड कर रही थी, 3-0 बैट फर्स्ट, 39-10 बैट फर्स्ट। स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं यहाँ पे, 8 मैच 823 रन 75 की एवरेज है अगेंस्ट इंग्लैंड दोस्तों, स्वेनी के ऊपर इसने बहुत अच्छे काम करे हैं स्टीवन स्मिथ ने, इन्होंने कहूँ तो बैटर है दोस्तों, इसने इसे ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट दोस्तों उन्होंने का बोलने में आता है, तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे तीन मैच के अंदर 69 की एवरेज रखी है, 277 रन है, बहुत बढ़िया दोस्तों बैटर इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ पे तीन मैच में यार 277 रन करना छोटी मोटी बात होती नहीं है। फर्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे 7 और 13 रन है, टेस्ट मैच में आपको बताया दोस्तों दो बार बैट करने का मौका मिलता है, इसलिए मैं दो बार लिखा हूँ, 7-13 बैट फर्स्ट, 103 बैट फर्स्ट, 8-16 चेस के ऊपर है, 42-63 बैट फर्स्ट। उस्मान ख्वाजा की बात करते हैं, इसी वेन्यू के ऊपर दोस्तों मुझे अभी भी याद है, डेविड जो अपने ये थे उस्मान ख्वाजा, शायद तक दोस्तों इसी वेन्यू के ऊपर इन्होंने अपना डेब्यू करा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टीम के लिए, मतलब टेस्ट मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उस्मान ख्वाजा 5 मैच 352 रन है, 70 की औसत यहाँ पे अच्छा करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे 2 मैच के अंदर 229 रन है, 76 की एवरेज है दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा करा इसने। फर्स्ट क्लास के अंदर 20-54 बैट फर्स्ट, 12-12 बैट फर्स्ट है, 10-25 जब बैट सेकंड कर रहे थे। कैमरन ग्रीन ने यहाँ पे 84 रन करे थे एक मैच के अंदर इंटरनेशनली इंडिया के खिलाफ, फर्स्ट क्लास के अंदर 6.0 है जब इसकी टीम बैट सेकंड कर रही थी। एलेक्स करी यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस रहे, 110 नाबाद 9 नाबाद जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी, फिर 56-18 जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी। पैट कमिंस आएंगे यहाँ पे, 4 मैच में 17 विकेट्स हैं, 57 रन विद द बैट है, अगेंस्ट इंग्लैंड इस वेन्यू के ऊपर भाई साहब इन्होंने सीधा एक मैच के अंदर 8 विकेट निकाले थे, विद द बैट 24 रन स्कोर करे थे नाबाद। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं यहाँ पे अद्भुत स्टैट्स है, 52+3 विकेट, 1 विकेट है जब इसकी टीम है बैट फर्स्ट करी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सेकंड इनिंग्स के अंदर बॉलिंग कर रहे थे ना कि पहली पारी के अंदर, फिर 4 विकेट+42 रन है, 4 विकेट है जब इसकी टीम है पहले गेंदबाजी कर रही थी और बैट सेकंड कर रही थी। बात करेंगे मिन स्टार्क की, 7 मैचों में 20 विकेट है, 104 रन से इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ पे एक मैच में 3 विकेट था, 11 रन था। फर्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे दोस्तों अच्छे स्टैट्स हैं, ये देखो आप 8 रन 0 विकेट है, 13+1 विकेट है जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी थी, 23+2 विकेट है, 4 विकेट है जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी थी, बैट सेकंड के अंदर 3 विकेट था +27 रन था, फिर 1 विकेट था, फिर एक टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ इसने एक ही बार बॉल करा था, 0 विकेट निकाला था बॉल बैट सेकंड करते हुए। नेथन लियॉन 10 मैच 38 विकेट है, अगेंस्ट इंग्लैंड यहाँ पे 2 मैचेस में 7 विकेट है, फर्स्ट क्लास के अंदर उसको बहुत मैच खेले हैं, इस मैच में 8 विकेट था पहले में जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी, फिर यहाँ पे 3 विकेट था, फिर 2 विकेट था, फिर 4 विकेट था, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट था। हेजलवुड दोस्तों 12वें, तो उनके बारे में क्या ही बात करूँ। स्कॉट वॉलन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास के अंदर स्वेनी के ऊपर क्या करा इसने, 5 विकेट जब इसकी टीम बैट सेकंड करी थी विक्टोरिया, फिर यहाँ पे 3 विकेट जब इनकी टीम बैट फर्स्ट करी थी, मतलब ये दूसरी बारी के अंदर गेंदबाजी कर रहे थे, फिर यहाँ पे 6 विकेट है जब इनकी टीम बैट फर्स्ट करी, 1 विकेट है बैट फर्स्ट करते हुए। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड की, तो यहाँ पे बहुत ही कम प्लेयर्स ने खेला है। डेविड मलान की बात करते हैं, यहाँ पे 62.5 करा था जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी थी। जो रूट ने यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, 83.58 है, मैं कैसे कह सकता हूँ दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि इसके अंदर 58 के ऊपर ना ये रिटायर्ड हट आउट हुए थे, मैंने इसलिए दोस्तों से ब्लैक कलर का डॉट मारा ऐसा, ठीक है आप देख रहे हो, ऐसे ही नहीं मारता दोस्तों, कुछ रीजन होता है, ये रिटायर हट हुए थे उस मैच के अंदर दूसरी पारी के अंदर। तो दोस्तों एक बहुत अच्छे बैटर है इस वेन्यू पे, 83.58 नॉट आउट ही रहे थे लगभग और रिटायर्ड हो गए थे जब इसकी टीम बैट फर्स्ट करी थी। जॉनी बैरिस्ट यहाँ पे 2 मैच खेले, 61 रन से 15 की औसत है। बेन स्टोक्स ने दोस्तों यहाँ पे एक बार अद्भुत अविश्वसनीय परफॉर्मेंस दिया था, 8 विकेट निकाला था एक ही मैच के अंदर, विद द बैट दोस्तों कुछ 70 के आसपास रन स्कोर करे थे भाई, वो इनका रिमार्केबल टेस्ट मैच था इस वेन्यू के ऊपर। बात करेंगे यहाँ पे जेम्स एंडरसन की, तो 4 मैच में 14 विकेट, आप देखो उसका ब्रेकअप कैसा है, ब्रेकअप्स मतलब इसने 4 मैचेस में कैसे विकेट निकाला, बॉल फर्स्ट मतलब क्षमा चाहता हूँ, आप देखो यहाँ पे सीरियस हो गए, ठीक है, बैट फर्स्ट जब इंग्लैंड बैट फर्स्ट करी थी 1 विकेट था, सिर्फ इनकी टीम एक ही बार बॉल कर पाई थी क्योंकि टीम दोस्तों पूरी सिमट गई थी, 2 बार बैट करी टीम सिर्फ 1 बार बॉल करी। फिर देखो यहाँ पे दूसरे टेस्ट मैच के अंदर स्वेनी के ऊपर इन्होंने क्या करा था, स्वेनी के ऊपर 1.2 विकेट है जब इनकी टीम
बैट सेकंड कर रही थी। फिर देखो यहाँ पे 4.3 विकेट है जब इनकी टीम बैट सेकंड कर रही थी, बैट फर्स्ट के अंदर 3.0 विकेट है। बात करेंगे स्टुअर्ट ब्रॉड की, 2 मैच में 107 रन है दोस्तों, 5 विकेट्स हैं। एक टाइम पे परफॉर्मेंस देखो इस मैच के अंदर, पहले वाले में रिसेंटली 31 रन प्लस 1 विकेट.4 बैट करने को दोस्तों 2 बार मौका मिला, बॉल सिर्फ 1 ही बार कराया था क्योंकि दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी दूसरी बार बैट करने नहीं आई थी क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड इतना रन बना ही नहीं पाई थी और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। फिर देखो दूसरे टेस्ट मैच के अंदर सैनी के ऊपर गजब करा, 2 विकेट प्लस 30 नाबाद, 2 विकेट प्लस 42 की नॉक थी, तो 70 पॉइंट दोस्तों सिर्फ बैट से दे दिए थे। फिर दो दो विकेट ले लो आप तो 80 पॉइंट तो विकेट से दे दिया था दोस्तों, आप देख सकते हो परफॉर्मेंस यहाँ पे। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वेन्यू स्टैट्स तो मैंने आपको ऊपर बता दिए, हेड टू हेड स्टैट्स आप इसको समझ सकते हो और मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं वेन्यू स्टैट्स को बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हेड टू हेड स्टैट्स हमेशा सेम ही रहते हैं लास्ट वीडियो जैसे ही। मार्कस एरिस यहाँ पे 6 मैच खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, मतलब हेड टू हेड मैचेस की बात कर रहे हैं, 172 रन से 17 था लास्ट मैच में अच्छे दिखे थे, बैट फर्स्ट 18-20 है, चेस के ऊपर 36 एंड 19 है। डेविड वार्नर का देखो आप हेड टू हेड के अंदर 26 मैच के अंदर 41 की औसत है, 1855 रन है, हाईस्ट 124 है, 50 प्लस 17 बार करा है, बैट फर्स्ट के अंदर 56 और 44 की औसत है, बैट सेकंड के अंदर 46 एंड 43 की औसत है। आपको दोस्तों पता है टेस्ट मैच के अंदर प्लेयर 2 बार बैट करता है तो इसलिए मैंने 2 बार स्टैट्स लिखे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करिए डेविड वार्नर तो कैसा परफॉर्मेंस था, लबुचेन अद्भुत प्लेयर है, स्टीव स्मिथ का स्टैट्स देखो 30 मैच के अंदर लगभग 3000 रन पूरे करने वाले हैं, 62 की औसत है। उस्मान ख्वाजा दोस्तों न्यू प्लेयर, इनके बारे में बात करते हैं तो उनका हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट है इंग्लैंड 12 मैच के अंदर 30 की औसत है, 627 रन है, हाईस्ट 171 है, 50 प्लस 4 बार करा है, अच्छे बैटर है दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो। इसी तरह आप यहाँ पे हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो, ठीक है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के समझा आप लॉरी बर्न्स से 6 मैच के अंदर देखो आप 403 रन है अगेंस्ट है जो टीम है सामने, क्या नाम है दोस्तों उसका, ऑस्ट्रेलिया 34 की औसत है, बैट फर्स्ट 28-24 है, चेस के ऊपर 42-30 कर दी, तो चेस पे अच्छा करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो, मैंने दोस्तों आपको पहले भी एक्सप्लेन करा हेड टू हेड स्टैट्स, ठीक है। मैचअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मार्कस एरिस वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड अच्छा मैचअप है, 76 बॉल 33 रन 5 बार आउट कराया यार, छोटी मोटी बात होती नहीं यार 5 बार आउट करना, आप दोस्तों ऐसे प्लेयर को बाहर कर रहे हो जो भाई मास्टर पीस है, व्हाइट मतलब बैंड लगा के दोस्तों बॉलिंग करते हैं रेड बॉल के अंदर, तो बहुत अच्छे बॉलर होते हैं ये, मतलब बैंड लगाते थे उससे पहले, मेरे को अभी भी याद है जब भी बस बैंड लगा के बॉलिंग करता है ना बहुत खतरी बॉलिंग करता है व्हाइट कलर का बैंड। डेविड वार्नर वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड 671 गेंद 383 रन है, 12 बार आउट करा है, जिम्मी ने 10 बार आउट करा है, मानस लबुशेन वर्सेस जैक लीच 106 गेंद 84 रन 3 दफा आउट करा है और सबके सामने 1-1 बार आउट हुए हैं। स्टीव स्मिथ वर्सेस जिम सैंडरसन 928 गेंद 385 रन 8 बार आउट करा है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 8 बार आउट करा है, 2 लेजेंडरी प्लेयर्स आप दोनों को कैसे मिस कर सकते हो, एंडरसन और ब्रॉड को साथ में खिलाओ दोस्तों जलवे दिखाएंगे वो अपने। उस्मान ख्वाजा वर्सेस जिम्मी एंडरसन 8-262 बॉल 67 रन 4 बार आउट करा है, फिर यहाँ पे ब्रॉड ने भी इनको 204 गेंदों के अंदर 123 रन देकर 3 दफा आउट करा है, वो किसी दोस्तों शायद ही खेलेंगे यार तो उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कैम ग्रीन का आप देख सकते हो, एलेक्स एरी का आप देख सकते हो, बात करेंगे दोस्तों किसकी, रॉरी बर्न्स वर्सेस पैट कमिंस 300 गेंद 98 रन 5 दफा आउट करा है, मिस स्टार्क के सामने 87 गेंद 52 रन 2 बार आउट करा है और हेजलवुड के सामने 3 बार वो बाहर है। हसीब अमीद वर्सेस पैट कमिंस 44 गेंद 10 रन 2 दफा आउट करा है। यहाँ पे डेविड मलान वर्सेस नेथल्यान 473 गेंद 181 रन 4 बार आउट करा है, पैट कमिंस ने 3 बार, स्टार्क ने 4 बार। जो रूट वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बड़ी बड़ी दिक्कत है दोस्तों, हेजलवुड के सामने पर बाहर है वो, पैट कमिंस के सामने 7 बार आउट हुए हैं 140 रन है लगभग 300 गेंद के अंदर, स्टार्क के सामने 7 बार आउट हुए हैं 524 गेंद के अंदर 265 रन। स्टोक्स का आप देख सकते हो स्टार्क के सामने दिक्कत है थोड़ी सी, पैट कमिंस को अच्छा ही खेलते हैं वैसे तो, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 107 रन है 147 बॉल के अंदर। ऑली पॉपर वर्सेस लियोन 37 गेंद 9 रन 2 दफा आउट करा है, बटलर वर्सेस कमिंस इनका मैचअप है, जॉनी बैरिस्टो वर्सेस मिड स्टार्क 247 गेंद 129 रन भाई साहब 9 बार आउट करा स्टार्क ने जॉनी बैरिस्टो को। कॉमन कैप्टन मानस लबुशेन जरूर बड़ी लीग्स में आप बनाओ यहाँ पर, मानस लबुशेन स्टीव स्मिथ बैन स्टोक्स जो रूटे 4 दोस्तों टॉप क्लास प्लेयर्स है, अलग जाना है मिड स्टार्क पैट कमिंस ऑली रॉबिन्सन को भी आप ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों कमेंट करना कि अपने को डेविड वार्नर के साथ जाना चाहिए स्टीव स्मिथ के साथ जाना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बताना क्योंकि दोस्तों दोनों प्लेयर्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अगर दोस्तों आपको एक के साथ स्टिक होना तो आप किसके साथ होगे या फिर दोनों को लेकर चलोगे, कमेंट करना। बात करेंगे टीम्स की, यहाँ पर कैप्टन है जो रूट, वाइस कैप्टन दोस्तों मानस लबुशेन है, या आप दोस्तों वाइस कैप्टन पैट कमिंस को कर सकते हैं, उनका होम ग्राउंड है दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये कैप्टन से दोस्तों सबसे प्रबल दावेदार है पैट कमिंस यार, देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पैट कमिंस। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसकी, बड़ी लीग्स में करना है दोस्तों, डिफरेंशियल रहना है, अलग रहना है दोस्तों जनता से, तभी आप टॉप के ऊपर जा पाओगे दोस्तों। लाइफ में कुछ टॉप मोस्ट पे जाना है ना तो वो थोड़ा अलग करना पड़ेगा लाइफ के अंदर,
जॉस बटलर टॉप क्लास प्लेयर है दोस्तों, दिक्कत क्या हो रही है बस इस टाइम पे वो सोच में पड़ गए हैं अटैक करूँ या तो डिफेंस करूँ। बहुत सारे दोस्तों प्लेयर्स के साथ होता है ये चीज़। एलेक्स करी दोस्तों टॉप मूव्स पे करेंगे, कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़ रहे हैं इस टाइम पे, जॉनी बेयरस्टॉप के ऊपर निर्भर करता है। लबुशेन अच्छे फॉर्म में दोस्तों, वार्नर भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, मलान साहब आएंगे दोस्तों वर्ल्ड क्लास बैटर इस टीम के अंदर, दो ही तो अच्छा कर रहे हैं सीजन के अंदर, इस सीरीज के अंदर कह सकते हैं, एशेज के अंदर। एक तो डेविड मलान है, एक जो रूट है स्टीव स्मिथ, ये भी दोस्तों अभी तक कुछ बड़ा नहीं करा है इस एशेज के अंदर दोस्तों, खुद कह रहे थे आई विल ट्राई टू शो व्हाट आई हैव डन इन द 2019 एशेज। देखते हैं दोस्तों क्या कर पाते हैं ऐसा। रॉरी बंस कैन बी डिफरेंशियल पिक एक वाइल्ड बैट सेकंड है, फिर यहाँ पे मार्क हैरिस भी दोस्तों अच्छे लगे हैं जब भी खेले हैं, ब्रॉड के सामने दिक्कत हो सकती है जब शॉर्ट ब्रॉड खेलेंगे तो। जैक क्रॉली दोस्तों टोटल ही टेम इस टाइप प्लेयर है, जब चल गए दोस्तों बहुत लंबा चलेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। ख्वाजा ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड स्टैट्स अच्छे हैं, वेन्यू स्टैट्स भी अच्छे हैं, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ में भी अच्छा करा है जो रूट, प्रबल दावेदार। स्टोक्स भी दोस्तों मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट लगते हैं, वोक्स भी शायद खेलेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों कैमरन ग्रीन है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स यही जाते हैं। फ्रेंक दोस्तों यहाँ पे डैन लॉरेंस ये भी दोस्तों चर्चा के अंदर है, खेल भी सकते हैं लेकिन मुश्किल लग रहा है मेरे को। स्टाक इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे दोस्तों, पैट कमिंस इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे दोस्तों ऑल रॉबिन्सन ठीक ठाक काम कर रहे हैं, नैथन लियॉन को आप ट्राई कर सकते हो, जिम मैडिसन दोस्तों बॉल को स्विंग करा रहे हैं, लास्ट टाइम 4 विकेट निकाला था, मार्क वुड के पास दोस्तों गति एक्सप्रेस पेस है तो ये भी दोस्तों विकेट्स निकाल सकते हैं। स्कॉटी बॉलेंड भी दोस्तों प्रमुख हो सकते हैं पर इनका ग्राउंड नहीं होगा, पर दोस्तों लाइन लेंथ बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा गेंदबाज। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। चैनल पिन तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तब तक टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू सून, जय हिंद।